हेलो व्यूअर्स, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में आज हम एफिशिएंसी एनालिसिस कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने करेक्टनेस वेरिफिकेशन की थी कि किसी भी एल्गोरिदम की एनालिसिस का एक हिस्सा हमारे पास ये है कि हम उसकी करेक्टनेस प्रूव करें और दूसरा हिस्सा फिर ये होता है कि हम उसकी एफिशिएंसी एनालिसिस करें। तो आज से हम एफिशिएंसी एनालिसिस का आगाज़ कर रहे हैं। एफिशिएंसी एनालिसिस पर यह पहली वीडियो है, इसके बाद मज़ीद एक और वीडियो इसी टॉपिक पर होगी और फिर उसके बाद इस कोर्स में हम गाहे बगाहे मुख्तलिफ एल्गोरिदम जहाँ देखेंगे तो उनका करेक्टनेस प्रूफ भी करेंगे और उनका एफिशिएंसी एनालिसिस भी करेंगे। यही हमारे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का मेन टॉपिक है कि हम ये दो काम करते रहें। आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक्स कवर करते हैं, आइए देखते हैं। एफिशिएंसी एनालिसिस, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि एफिशिएंसी एनालिसिस है क्या, इसमें हम किस तरह से टाइम एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं। बेसिक टारगेट टाइम एफिशिएंसी और स्पेस एफिशिएंसी होता है, लेकिन हम देखेंगे कि हमारी डिस्कशन फोकस्ड रहेगी टाइम एफिशिएंसी पर, तो हम देखेंगे क्या तरीक़ाकार है टाइम एफिशिएंसी मेजर करने का। फिर इसके अलावा जब हम एफिशिएंसी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम के बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस एनालिसिस हम कर रहे होते हैं। जी, देखते हैं सबसे पहले एफिशिएंसी एनालिसिस से क्या मुराद है। एफिशिएंसी एनालिसिस का मतलब ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा एल्गोरिदम कितने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज कर रहा है, और इसी एनालिसिस को हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का नाम भी देते हैं। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज से क्या मुराद है? कंप्यूटिंग रिसोर्सेज से मुराद ये कि कितना हमारा एल्गोरिदम कितनी मेमोरी स्पेस ले रहा है, और दूसरे नंबर पर एल्गोरिदम कितना सीपीयू टाइम कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि व्यूअर्स, कंप्यूटर के अंदर दो ही इम्पॉर्टेंट और रिसोर्सेज होते हैं, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ कॉस्ट, कि सारी कॉस्ट असल में कंप्यूटर की इन दो के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एक उसमें मेमोरी कितनी है यानी रैम कितनी लगी हुई है, और दूसरा उसके सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। सो सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे किसी भी टास्क पर सीपीयू कितना टाइम लगा रहा है, और जहाँ तक स्पेस है तो उसके लिहाज से हम ये समझते हैं कि मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है। और हम ये चाहेंगे एक एफिशिएंट एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जो मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हो। अब हमारे पास दो ही तरह के फिर एनालिसिस बनते हैं जो हमें करने हैं, क्योंकि दो ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हमारे पास कंप्यूटर के हैं, मेमोरी और सीपीयू। सो वो एनालिसिस जिसका ताल्लुक कंप्यूटर की मेमोरी के साथ है हम उसको स्पेस एनालिसिस कहते हैं, और वो एनालिसिस जिसका ताल्लुक सीपीयू के साथ है उसे रनिंग टाइम एनालिसिस करते हैं। यानी इसका मतलब ये, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा एल्गोरिदम कितना फास्ट चल रहा है। रनिंग टाइम एनालिसिस और स्पेस एनालिसिस करते हुए हम ये चाहेंगे कि हमारा ये एनालिसिस ना तो मशीन के ऊपर डिपेंड करता हो। मसलन एक एल्गोरिदम है, हो सकता है मैं उसे चलाऊं और मैं कहूं जनाब ये तो 4 सेकंड में आंसर दे देता है, और आप चलाएं तो हो सकता है वो 1 सेकंड में आंसर दे दे, उस प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ये तो डिपेंड करता है मशीन के ऊपर कि मेरी मशीन हो सकता है स्लो है और आपकी मशीन फास्ट है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा एनालिसिस इस तरह से मशीन डिपेंडेंट हो जाए कि जनाब ये i3 पर चलाया गया या i7 पर चलाया गया, बल्कि हम चाहेंगे कि ये मशीन इंडिपेंडेंट हो। इसी तरह से हम अपना एनालिसिस चाहेंगे कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी हो। हम जानते हैं कि अगर हम प्रोग्रामिंग मसलन असेंबली लैंग्वेज में करें तो प्रोग्राम बहुत फास्ट होगा, सी में करेंगे तो थोड़ा हो सकता है स्लो हो जाए, और इसी तरह से किसी और हाई लेवल लैंग्वेज में चले जाएंगे तो प्रोग्राम उतना स्लो हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा एनालिसिस जो है कि कितना टाइम लगता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट भी हो। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि प्रोग्रामर डिपेंडेंट हो जाए, यानी हो सकता है एक नोविस प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामिंग करता है तो उसका लिखा हुआ प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हैं और इसी तरह से वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, और एक एक्सपर्ट है जिसका लिखा हुआ एल्गोरिदम फास्ट है, तो हम ये भी नहीं चाहेंगे। सो हमारा तरीक़ाकार क्या है? हम तरीक़ाकार ये अपनाएंगे कि हमारा एनालिसिस एफिशिएंसी एनालिसिस जिसमें हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को मेजर करना चाहते हैं कि वो कितने यूज़ हो रहे हैं, हम चाहेंगे कि ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेज डायरेक्टली डिपेंड करें इनपुट साइज के ऊपर, ना कि ये किसी मशीन पर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, किसी और चीज़ पर डिपेंड करते हो।
क्या मतलब है कि मशीन सिर्फ इनपुट साइज पर डिपेंड करें, इसको हम अभी देखते हैं। लेकिन इससे पहले इनपुट साइज को हम समझ लेते हैं कि इनपुट साइज का क्या मुराद है। इनपुट साइज से मुराद ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू द इनपुट डाटा, कि किसी प्रॉब्लम के लिए जो डाटा इनपुट दिया जा रहा है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। मसलन अगर हो सकता है किसी अरे में सर्च करनी है, सर्च की प्रॉब्लम में ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड करेंगे कि हमारे पास एक्स में कितने, किसी अरे में नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं। सो ये एन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल किसी नंबर का बाइनरी फाइंड आउट करना है तो वो नंबर एन इट्सेल्फ जो कि इनपुट में आ रहा है हमारे पास, यही प्रॉब्लम साइज को डिस्क्राइब करेगा, इसका मैग्नीट्यूड। यानी अगर नंबर फॉर एग्जाम्पल 6 4 3 2 1 0 है, इसका बाइनरी फाइंड आउट करना हो, और एक है नंबर 10, इसका बाइनरी फाइंड आउट करना हो, तो ऑब्वियसली ये नंबर कम टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है ये वाला नंबर, और ये वाला नंबर जो है उतना कम टाइम ले रहा है। सो इसमें नंबर का मैग्नीट्यूड इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस प्रॉब्लम में, जिसमें हमने इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लेके आना है। जबकि ये सर्चिंग प्रॉब्लम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस अरे के अंदर, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम प्रॉब्लम साइज जो है वो डिफर करता है। हम बहरहाल ये चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारा एफिशिएंसी एनालिसिस जो है वो डिपेंड करे डायरेक्टली इनपुट साइज पर। लिहाजा मेन क्वेश्चन जो हम एफिशिएंसी एनालिसिस के दौरान जिसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हमारा एल्गोरिदम का रिक्वायर्ड टाइम और स्पेस इनपुट साइज पर किस तरह डिपेंड करता है। हम इस काम को स्पेस एनालिसिस भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि हमारे स्पेस एल्गोरिदम कितनी रिक्वायर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज, और इसी तरह से वो रनिंग टाइम उसको कितना, उसका कितना है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज। जहाँ तक अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किसी भी एल्गोरिदम में, प्रोग्राम में स्पेस और टाइम के दरमियान एक ट्रेड ऑफ सी है, हमें एक चीज़ को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स वर्सेस एडजेसेंसी लिस्ट को अगर देख लें, आप समझ सकते हैं कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक ग्राफ है, उसके मसलन चार नोड्स हैं उसमें। सपोज नोड वन इज कनेक्टेड विद नोड टू, नोड वन इज कनेक्टेड विद नोड थ्री, नोड थ्री इज कनेक्टेड विद नोड टू, एंड लेट्स से नोड टू इज कनेक्टेड विद फोर। सो एक तरीका कार तो ये है कि मैं इसके लिए मैट्रिक्स बनाऊँ, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसके लिए मेरे पास अगर इसमें चार नोड हैं तो 4x4 का मेरे पास ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसमें 4 रोज़ और 4 कॉलम्स होंगे। और फिर उसके बाद जिन 2 रोज़ के दरमियान मेरे पास एज है, मसलन 1 और 2 के दरमियान, मैं यहाँ पर 1 लगा दूंगा। और इसी तरह से 1 और 3 के दरमियान एज है, मैं 1 और 3 के दरमियान लगा लूँगा 1। इसी तरह से 2 और 1 के दरमियान मेरे पास है, मैं इसे अनडायरेक्टेड ग्राफ के तौर पर ले रहा हूँ। सो 2 और 1 के दरमियान है, 2 और 3 के दरमियान है, सो यहाँ पर 1 लगा दिए। बाकी सब जगह पर हम सपोज कर लेते हैं कि 0 है हमारे पास। तो इसी तरह 2 और 4 के दरमियान भी है, तो ये लगा लिया। 3 और 1 के दरमियान एज एग्जिस्ट करता है, 3 और 2 के दरमियान एग्जिस्ट करता है, और अपने साथ तो नहीं, उसके अलावा 3 का 4 के साथ भी नहीं है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं 4 का सिर्फ 2 के साथ एग्जिस्ट करता है, बाकी और किसी के साथ इसका नहीं है। तो ये आपने देखा कि अगर इसमें ग्राफ में मेरे पास एन नंबर ऑफ नोड्स थी तो एन बाई एन इतनी स्पेस जो है वो मेमोरी में कंज्यूम हुई। दूसरा तरीका मेरे पास एडजेसेंसी लिस्ट का है। एडजेसेंसी लिस्ट का तरीका ये है कि मैं एक पहले लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स ले लेता हूँ, 1 2 पॉइंटर अरे, और फिर उसके बाद 1 के कनेक्शन 2 के साथ है तो मैं इसके साथ एक नोड लगा देता हूँ जो कि बताती है कि मैं 2 के साथ कनेक्टेड हूँ। इसी तरह से एक मेरे 1 3 के साथ भी कनेक्टेड है, मैं यहाँ पर 3 के साथ भी इसका एक कनेक्टिव कनेक्शन बना लेता हूँ, और ये लिस्ट मेरे पास मेंटेन होती जाएगी। 2 जो है वो 3 के साथ कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, सो हम समझ लेंगे किस तरह से है। इसी तरह 2 जो है वो मेरे पास 1 के साथ कनेक्टेड है,
और 2 जो है वो मेरे पास 3 के साथ भी कनेक्टेड है, और 3 को हम देख लें, 3 1 के साथ कनेक्टेड है, 3 2 के साथ कनेक्टेड है, और 4 सिर्फ 2 के साथ कनेक्टेड है। तो ये मेरे पास एक एडजेसेंसी लिस्ट बन चुकी है। सो आप दोनों रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एन बाई एन स्पेस कंज्यूम हुई, लेकिन एडजेसेंसी मैट्रिक्स का फायदा ये है कि इसके ज़रिए आप कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हैं कि कहाँ पर एज है ग्राफ में, कहाँ एज नहीं है। और इसमें स्पेस कम यूज़ होगी, जितना बड़ा ग्राफ होता चला जाएगा, और अगर स्पार्स ग्राफ है यानी जिसमें एजेस कम हैं, नोड्स ज़्यादा हैं, तो आप देखेंगे कि ये उतना ही बेटर रिप्रेजेंटेशन होती चली जाएगी, सेव करेगी आपकी मेमोरी को। लेकिन इसका नुकसान ये है कि यहाँ पर ये लिंक्ड लिस्ट है जो कि ट्रेवर्स करना है, तो लीनियर टाइम ये लेगी। इसमें टाइम स्पेस अगर हम एफिशिएंट कर रहे हैं तो टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि हम ये चाहते हैं कि हमारे एफिशिएंसी एनालिसिस जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट हो जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो जाए और प्रोग्रामर इंडिपेंडेंट हो जाए, तो इसके लिए अब हमारा तरीक़ाकार ये है कि जहाँ पर हम इनपुट साइज पे डिपेंडेंट बनाएंगे अपने रनिंग टाइम को, और ख़ास तौर पर मैं अब ये टाइम एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, और अगर स्पेस एनालिसिस की बात भी करेंगे तो उसे भी हम इनपुट साइज डिपेंडेंट बनाएंगे, और उसमें हम उसे एस ऑफ एन लिखेंगे। सो फिलहाल अब ऑनवर्ड मेरा फोकस टाइम एनालिसिस पर है। सो रनिंग टाइम एनालिसिस हम करते रहेंगे, अपने एल्गोरिदम का टी ऑफ एन लिखेंगे, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा रनिंग टाइम फंक्शन है इनपुट साइज का। बहरहाल हमें रनिंग टाइम एनालिसिस करने के लिए कुछ एजम्पशन लेनी होगी, और उस एजम्पशन के लिए हम अंडरलाइंग मशीन के बारे में हमें कुछ एजम्पशन लेनी है जी। बहरहाल रनिंग टाइम एनालिसिस करने के लिए हमें अंडरलाइंग मशीन के बारे में कुछ एजम्पशन लेनी है। जी बाहर रनिंग टाइम एनालिसिस करने के लिए हमें अपनी अंडरलाइंग मशीन के बारे में कुछ अजम्पशन लेनी है। सो इसके लिए हम एक कंप्यूटेशनल मॉडल बनाने वाले हैं जो कि बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, यानी इन रियल तो इस तरह से नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ बेसिक अजम्पशन है, और ये अजम्पशंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में किसी तरह से भी नुकसानदेह नहीं है, बल्कि रीजनेबल है कि हम ये अजम्पशंस ले लें, और इनकी रीजनिंग वक्त के साथ साथ हम देखते भी रहेंगे। सो हम एक कंप्यूटेशनल मॉडल यूज़ करने वाले हैं जिसको रैम मॉडल कहा जाता है, यानी रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल है, और इस मशीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर एक तो ये कि ये मशीन में सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करेगी, यानी हमारा एल्गोरिदम सिक्वेंशियल है, स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ेगा। एक यूनि प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है, और पैरेलल प्रोसेसिंग भी नहीं हो रही होगी इसमें। सो इस एल्गोरिदम में एक प्रोसेसर है, और जो एग्जीक्यूशन है वो 1 बाई 1 सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगी। ये एक और एल्गोरिदम की ब्रांच है जो कि पैरेलल एल्गोरिदम या डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम्स के ऊपर डिस्कशन की जाती है। जिसमें दूसरी अजम्पशन ये है हमारी कि हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं उनमें जो ऑपरेंड्स हैं उनका मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता टाइम ऑपरेशन का, यानी अगर हमें 1 प्लस 2 करना है या फिर हमें कोई बिगर मैग्नीट्यूड के नंबर्स को आपस में कोई उनके दरमियान कोई ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि टाइम कितना लगेगा, यानी दोनों तरह के ऑपरेशन में हम यही समझेंगे कि यूनिट टाइम लग रहा है। इसी तरह से तीसरी अजम्पशन हमारी ये है कि मेमोरी में रैम में से किसी भी लोकेशन पर से डाटा उठाना हो तो उसमें यूनिफॉर्म टाइम लगता है, यानी देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे और बिटवीन द प्रोसेसिंग ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे, और हमें मालूम है अरे जो है वो मेमोरी में कंजेक्टिव लोकेशंस पे स्टोर हो रही होती है। और इसी तरह से लास्ट अजम्पशन ये है कि हमारे जितने भी ऑपरेशन हैं, असाइनमेंट, अरिथमेटिक, लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेशन, ये सब यूनिट टाइम लेते हैं, और हम ये भी समझेंगे कि एक्सप्रेशन जितना मर्जी बड़ा हो वो वैल्यूएट हो जाता है यूनिट टाइम के अंदर। इस सारी अजम्पशंस की एक बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि हमारे कंप्यूटर्स में
ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितने भी ऑपरेशन हैं, रिलेशनल, लॉजिकल और जितने मर्जी भरे एक्सप्रेशन हो, इनके लिए स्पेशल हार्डवेयर मौजूद होता है और हम ये समझते हैं कि ये विद इन नो टाइम एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आइए हमने देखना है कि हमने किस तरह अपने एल्गोरिदम को एक्सप्रेस करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इनपुट साइज़ के ऊपर। यहाँ पर एक छोटा सा एल्गोरिदम दिया गया है, स्वैपिंग का एल्गोरिदम है, एग्जाम्पल है जो हमने लास्ट वीडियोस में भी देखी थी कि एक नंबर एक्स और वाई दो नंबर हैं जिनमें हमारे पास कुछ जो भी नंबर इनपुट में आए हैं, हम चाहते हैं कि आउटपुट में वो नंबर एक्स में वाई वाला वैल्यू मौजूद हो और वाई में एक्स की वैल्यू मौजूद हो। सो ये 3 लाइन्स का कोड है सिर्फ, और हमें मालूम है ये एक सिक्वेंशियल कोड है। सो इस स्टेटमेंट ने भी एक दफ़ा चलना है, इस स्टेटमेंट ने भी एक दफ़ा चलना है, दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट ने भी एक दफ़ा ही चलना है, स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं और तीनों स्टेटमेंट्स ने एक एक दफ़ा ही चलना है। कोई कॉस्ट होगी इस काम की भी, ये तीनों असाइनमेंट ऑपरेशन है। मैंने कहा लेट्स से C1 कोई कॉस्ट है, तो अगर हम देखें तो इस वक्त हमारे पास 3 एंड 3 C1, ये मेरे पास एक इसकी कॉस्ट आ जाती है। अगर मैं इकट्ठा करके लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ T(n) इज इक्वल टू, इस वक्त मेरे पास है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे दोनों और मेरे पास 3 C1 आ जाता है। ये C1 से मतलब कोई यूनिट टाइम है, आप उसको अगर मैं चाहूँ तो C1 की वैल्यू 1 ही इस वक्त एज्यूम कर लेता हूँ, C1 इज इक्वल टू 1 है। और आप देखेंगे कि आइंदा भी प्रोग्राम में जहाँ पर कांस्टेंट टाइम है कोई, हम उसे 1 यानी यूनिट टाइम सपोज कर सकते हैं। सो मैं ये कह सकता हूँ कि T(n) इज इक्वल टू 3, और ये हमें बता रहा है कि इस वक्त रनिंग टाइम जो है वो इनपुट पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा। सो इस एल्गोरिदम में आपके पास एक्स के अंदर जिस मैग्नीट्यूड का मर्जी नंबर आ जाए, वाई के अंदर इनपुट में जिस मैग्नीट्यूड का मर्जी नंबर आ जाए, आपके पास जो मर्जी मैग्नीट्यूड हो इनकी, लेकिन आपका रनिंग टाइम जो है वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है कि उसने एक कांस्टेंट टाइम लेना है। और हम इसे कह सकते हैं कि हमारा रनिंग टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है इनपुट साइज से। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं कि रनिंग टाइम किस तरह से कंप्यूट किया जाता है। लेट्स से ये भी प्रोग्राम हम पहले देख चुके हैं कि एक सीरीज है जिसको हम सम करना चाहते हैं, इनपुट में हमारे पास n नंबर्स आ रहे हैं और हम उनका सम s में रिटर्न करना चाहते हैं। सो छोटा सा प्रोग्राम जो इसके लिए बनता है वो ये मेरे पास है, मैंने s में 0 रखवा लिया, i को 1 से स्टार्ट कर दिया और उसके बाद ये सिंपल आई में एस में ऐड करता चला जा रहा हूँ और आई में एक इजाफा करता चला जा रहा हूँ। सो ये लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लाइन्स हैं इस कोड में। लाइन 1 एक असाइनमेंट स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़ा चलेगी, नंबर ऑफ आइट्रेशन 1 है, इसकी भी नंबर, सेकंड लाइन की भी नंबर ऑफ आइट्रेशन 1 है। सो कॉस्ट, कोई कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, मैं आने वाले मजीद एल्गोरिदम्स में आहिस्ता आहिस्ता इसको रिप्लेस ही कर दूंगा कि यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट्स लिखने के बजाय मैं 1 लिख देता हूँ कि यूनिट कॉस्ट है। सो बहरहाल अभी ये लिखा हुआ है तो इसे हम इसी को लेके चलते हैं। जी व्हाइल लूप की बात करते हैं, व्हाइल लूप में एक कंडीशन है जो चेक हो रही है, ये कंडीशन कितनी दफ़ा चेक होगी, I1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें मालूम है I अगर n तक चल रहा है तो इसका मतलब है कि n टाइम ये कंडीशन चेक होगी और ट्रू भी होगी। सो n तो ये आ गया कि n टाइम ये कंडीशन चेक होनी है और ट्रू भी होनी है। फिर एक दफ़ा और कंडीशन चेक होगी और उस वक्त आई की वैल्यू n+1 के इक्वल हो चुकी होगी, यानी n+1 टाइम टोटल आपकी ये कंडीशन चेक होनी है और लास्ट टाइम जब ये चेक होगी तो उस वक्त असल में फॉल्स हो चुकी होगी। सो ये जो लास्ट, ये जो हम 1 लिख रहे हैं साथ, ये इसलिए है कि एक दफ़ा कंडीशन तब चेक होनी है जब ये फॉल्स हो चुकी होगी। सो n+1 टाइम वाइल हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 3 के लिए मैंने n+1 लिखा। ये बॉडी लूप की उस वक्त तक चलेगी जब तक ट्रू है, और हमने अभी बात की कि एंड टाइम ट्रू है तो ये बॉडी एंड टाइम तक चलेगी, इसलिए लाइन नंबर 4 भी एंड टाइम चलेगी और इसी तरह से लाइन नंबर 5 जो है वो भी एंड टाइम चलेगी। तो इनके कोई कॉस्ट मैंने यहाँ पर लिख ली है, वो कि इसको भी फिर वही बात कि मैं 1 कर सकता हूँ। सो रनिंग टाइम अगर मैं इसका निकालना चाहूँ T(n), तो T(n) आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, C1 C1 2 C1 है इसमें, और फिर इसी तरह से एक दफ़ा n+1 और इसके साथ C2 है, और फिर इसी तरह से 2n है मेरे पास और इनके साथ कांस्टेंट
C3 है, तो मैं इसे 2C3N लिख लेता हूँ। और बाय द वे, अगर मैं ये C1 C ये सारी बातें छोड़ दूँ तो यहाँ पर 2N है और ये N है, तो 3N+3 बेसिकली, अगर मैं तमाम C को 1 ले लेता हूँ तो 3N+3 इसका रनिंग टाइम मेरे पास आ गया। और ये फॉर्म है, आप नोट करें कि लीनियर फंक्शन की फॉर्म है, कि इस वक्त इसका रनिंग टाइम लीनियर आ रहा है, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि मेरा रनिंग टाइम इनपुट साइज के लिहाज से लीनियर है, यानी जैसे जैसे इनपुट मेरी बढ़ती जाएगी उसी रेशियो से मेरे आउटपुट रनिंग टाइम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये एक और हम देखना चाहते हैं, ये एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं कि हम रनिंग टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम भी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि नॉन एम्प्टी अरे है और हम उसमें से मिनिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नॉन एम्प्टी प्री कंडीशन है कि नॉन एम्प्टी अरे है, और पोस्ट कंडीशन ये है कि हम इसमें एक नंबर एम फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि मिनिमम नंबर है इस अरे में से। वही प्रोग्राम जो हम पहले देख चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पहली स्टेटमेंट जिसकी कॉस्ट मसलन, अब मैंने यहाँ पर यूनिट लिख लिया है तो आइंदा से आपके ये जहन में रहे कि यूनिट कॉस्ट है और ये एक दफ़ा चलेगी लिहाजा बन आ गया। फिर उसके बाद फॉर स्टेटमेंट का एनालिसिस, इसको हमें अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि फॉर स्टेटमेंट कैसे होगी। फॉर स्टेटमेंट बेसिकली तीन तरह के स्टेटमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। एक इसके अंदर असाइनमेंट स्टेटमेंट मौजूद है कि जिसमें हम समझते हैं कि शुरू में एक असाइनमेंट स्टेटमेंट मौजूद है, एक कंडीशन चेक होती है, फॉर एग्जाम्पल आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन कंडीशन, हर लूप पे डिपेंड लूप टू लूप वेरी कर सकती है, और एक इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है जिसमें आई में कोई इजाफा किया जा रहा होता है, आई प्लस प्लस हो सकता है आई। हमें इन तीनों स्टेटमेंट से मिलकर हमारा फॉर लूप बन रहा होता है। अब अगर हम गौर करें तो फॉर लूप के स्टार्ट में ये स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है, इसकी एग्जीक्यूशन टाइम सिर्फ एक दफ़ा है। कंडीशन का मामला ऐसे ही है जैसे हमने व्हाइल का एनालिसिस किया था। अगर आप गौर करें, ये इस वक्त 2 से स्टार्ट हो रहा है आई, और इसने एन तक जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई अरे थी तो आई इसके इंडेक्स 2 पे मौजूद था यहाँ पर, और इसने एन टाइम तक जाना था, एन लास्ट एलिमेंट है। ये मुझे नजर समझ आती है कि एन एन माइनस वन टाइम ये एग्जीक्यूट होगा, एन माइनस वन टाइम इसकी एग्जीक्यूशन है, अब ये ट्रू है। और फिर एक दफ़ा इसकी एग्जीक्यूशन और होनी है जब आई की वैल्यू जो है वो एक एन से एक ज़्यादा हो जाएगी, यानी आई N+1 के इक्वल हो जाएगा। उस वक्त एक एक और आ जाता, एक दफ़ा और इसने चलना है, जो जबकि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही होगी। तो हम इस तरह इसलिए टोटल समझ सकते हैं कि ये एन इस वक्त कंडीशन कितनी दफ़ा चेक हो रही है, -1 और +1 मैं इनको कैंसिल आउट कर दूं तो एन टाइम बेसिकली कंडीशन चेक हो रही है। ये इंक्रीमेंट इसी तरह से फर्स्ट टाइम असाइनमेंट होती है, कंडीशन चेक होती है, असाइनमेंट स्टेटमेंट इसके बाद दोबारा कभी नहीं चलती, कंडीशन हर आइट्रेशन पे चेक होती है, और फर्स्ट टाइम इसमें इंक्रीमेंट नहीं होता। जब लूप की बॉडी में आ जाते हैं तो फिर फर्स्ट टाइम लूप की बॉडी जब चलती है इंक्रीमेंट, और जितनी दफ़ा लूप की बॉडी चलती रहेगी उतनी दफ़ा इंक्रीमेंट होगा। ये हमने जो ट्रू में लिखा था कि एन माइनस वन टाइम लूप की बॉडी चल रही है, तो इसका मतलब है एन माइनस वन टाइम इंक्रीमेंट हो रहा होगा। ये वो ट्रू पार्ट था, ये ट्रू ही पार्ट था कि एन माइनस वन टाइम लूप की बॉडी चल रही थी। एन माइनस वन टाइम ये पार्ट चलेगा। इसका मतलब ये है कि इंक्रीमेंट जो है वो एन माइनस वन टाइम हो रही है। और मैं अगर इन सारी कॉस्ट को सम अप कर लूँ तो ये मेरे पास ये -1 1 से ख़त्म हो गया, सिर्फ 2n बचता है, तो इस वक्त मेरे लूप का रनिंग टाइम मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2n है। आई होप कि आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि 2n किस तरह से आया। और आप इसी तरह से हर लूप का एक एनालिसिस कर सकते हैं कि लूप में कितनी दफ़ा लूप की आइट्रेशंस चल रही हैं। आमतौर पर अगर फॉर लूप में मेरे पास आई जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा हो और एन तक चल रहा हो, आई अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है और एन तक चल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक दफ़ा असाइनमेंट स्टेटमेंट चलेगी, एन एन टाइम ट्रू होगा और एक दफ़ा फॉल्स होगा, तो लिहाजा N+1 टाइम कंडीशन चेक होगी। और इसके अलावा इंक्रीमेंट जो है वो जितनी दफ़ा ट्रू था एन टाइम ट्रू था तो एन टाइम इंक्रीमेंट हुआ होगा,
तो 2n+2, ये मेरे पास फॉर लूप की एक जनरल फॉर लूप जो कि 1 से लेके n तक चल रहा हो उसका रनिंग टाइम आता है 2n+2। ओके जी, सो अभी इस लूप की पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट नंबर 3 की बात मैं करूं तो ये थर्ड स्टेटमेंट यानी इफ के अंदर कंडीशन कितनी दफ़ा चेक होगी, जितनी दफ़ा ट्रू होके यहाँ अंदर आएगा ये कंडीशन चेक हो रही होगी। और हमने अभी बात की n-1 टाइम ट्रू होगी कंडीशन, सो ये n-1 टाइम ही इसकी ये भी स्टेटमेंट चेक होगी। अब हमें ये नहीं मालूम कि ये कितनी दफ़ा ट्रू हुई और कितनी दफ़ा फॉल्स हुई। जितनी दफ़ा कंडीशन लाइन 3 में फॉल्स हुई होगी ये इफ वाली स्टेटमेंट नंबर 4 एग्जीक्यूट नहीं होगी होगी, अब ये हमें अभी पहले से मालूम नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन लिख लिया कि ये डिपेंड करता है कि मेरी इनपुट कैसी है, प्रॉब्लम की इंस्टेंस कैसी है। अगर तो प्रॉब्लम इंस्टेंस ऐसी है कि इसमें मैंने मिनिमम फाइंड आउट करना है और आई मेरा यहाँ पर है और एम जो है वो हमेशा ग्रेटर है इधर वाले नेक्स्ट नंबर से, यानी ये वैल्यू की जो मैंने एम में वैल्यू रखवाई है ये हमेशा बढ़ी है इससे, तो ये उसमें एक्सचेंज कर दिया करेगा। सो इस तरह ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम की इंस्टेंस के ऊपर कि इस वक्त करंट जो प्रॉब्लम मिली मुझे वो किस तरह की थी। इसका फिर एक डिटेल्ड एनालिसिस करने की ज़रूरत है हमें। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि ये डिटेल्ड एनालिसिस किस तरह से होगा। लेकिन इससे पहले मैं रनिंग टाइम अगर लिखना चाहूँ तो अब इस प्रॉब्लम का मेरे पास रनिंग टाइम क्या बनता है, ये तीनों ये चारों लाइंस का मैं रनिंग सम अप करूं तो मेरे पास रनिंग टाइम इसका बन रहा है टी ऑफ एन इज इक्वल टू ये -1 इस +1 से ख़त्म हो गया तो 3n+h(n)। और अब h(n) का एनालिसिस हम करेंगे नेक्स्ट, ताकि उसे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं तो फिर हम अपने एल्गोरिदम के एग्जैक्ट रनिंग टाइम पर बात कर सकेंगे। ये हमारे पास रनिंग टाइम इस वक्त बन गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त हमारे पास ये है कि ये फैक्टर हमें बता रहा है कि रनिंग टाइम इस वक्त 3n तो आ गया, लेकिन इसके अलावा ये रनिंग टाइम डिपेंड कर रहा है h(n) पर, और h(n) बेसिकली डिपेंड करता है इस वक्त प्रॉब्लम की पर्टिकुलर इनपुट जो आई है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कि उसमें डाटा किस तरह से अरेंज हुआ। सो हम एक और बात नोट कर रहे हैं कि इस वक्त रनिंग टाइम सिर्फ इनपुट साइज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि एक और चीज़ जो कि इनपुट डाटा की प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो जब भी हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम करते हैं तो ये ना सिर्फ ये कि इनपुट साइज़ पर डिपेंड करता है बल्कि इसके अलावा इनपुट डाटा की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड कर रहा होता है। और जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें उन प्रॉपर्टी को भी देखना पड़ेगा इस बेस पर कि इनपुट डाटा की क्या प्रॉपर्टी है। हमारी प्रॉब्लम का वर्स्ट केस सामने आता है और उसके अलावा एक बेस्ट केस सामने आता है, सो और एक तीसरा एवरेज केस भी हो सकता है। वर्स्ट केस रनिंग टाइम एनालिसिस हमें ये बताता है कि हमारे एन साइज इनपुट के ऊपर लॉन्गेस्ट रनिंग टाइम क्या होगा हमारे एल्गोरिदम का, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमें अपने एल्गोरिदम की अपर बाउंड बता रहा होता है कि रनिंग टाइम अगर हम एक फंक्शन ले रहे हैं कि ये इनपुट फंक्शन ऑफ इनपुट साइज है तो इस फंक्शन की अपर बाउंड क्या है, कि वर्स्ट केस में ये फंक्शन कैसा बिहेव करेगा। बेस्ट केस एनालिसिस जो है ये हमें बताता है कि हमारे एल्गोरिदम का एन साइज इनपुट जब उसे मिलेगी तो उस पे मिनिमम रनिंग टाइम क्या होगा, यानी अगर हम इसको एज अ फंक्शन समझते हैं कि रनिंग टाइम एक फंक्शन ऑफ इनपुट साइज है तो इस फंक्शन की लोअर बाउंड क्या है, यानी हमें ये पता चल सकता है कि हमारा एल्गोरिदम इससे ज्यादा कम टाइम, मजीद कम टाइम नहीं लेगा, इससे ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। सो वर्स्ट केस और बेस्ट केस एनालिसिस प्रॉब्लम के किए जाते हैं इसी तरह से जो हमने पीछे प्रॉब्लम देखी अपने मिनिमम फाइंड आउट करने की, उसका भी हम वर्स्ट केस और बेस्ट केस एनालिसिस कर सकते हैं। जी बेस्ट केस अगर रनिंग टाइम एनालिसिस करें तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी अरे है हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा पहली पोजीशन पे सबसे छोटा एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट सारे जो हैं वो पोजीशन में इससे वो उनकी वैल्यू इससे बड़ी है। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये एलिमेंट जो आपने शुरू में एक दफ़ा एम के अंदर रखवाया था वो एलिमेंट हमेशा स्मॉलर है बाकी हर आने वाले अगले एलिमेंट से, जिसके नतीजे में लाइन नंबर 3 की कंडीशन हमेशा फॉल्स होती रहेगी और लाइन नंबर 4 जो है वो फिर कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, एच ऑफ एन जो है वो 0 आएगा। और ये मेरे पास मेरी प्रॉब्लम का बेस्ट केस होगा जिसमें एच ऑफ एन हमेशा 0 आ रहा है।
और वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ तो वर्स्ट केस ये है कि मेरे पास एच ऑफ एन जो है वो एन माइनस वन के इक्वल आ जाए, और इस तरह से टी ऑफ एन की अगर हम बात करेंगे तो टी ऑफ एन जो है वो मेरे पास बेस्ट केस में 3n रहेगा, जबकि वर्स्ट केस में टी ऑफ एन जो है वो मेरे पास 4n-1 बन जाएगा। जी एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिक्वेंशियल सर्च की, जिसमें हमारे पास एक रे है और उसमें n एलिमेंट्स हैं और नॉन एम्प्टी अरे है, हमें वैल्यू v फाइंड आउट करनी है, और पोस्ट कंडीशन ये है कि हमारा फाउंड की वैल्यू ट्रू हो गई हो अगर एलिमेंट अरे से बिलोंग करता है, और अगर नहीं तो फिर फाउंड की वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। इनपुट में हमें अरे मिलेगी और एक वैल्यू की वैल्यू जिसे हमने फाइंड आउट करना है। सो इनिशियली मैं फाउंड को फॉल्स सेट कर देता हूँ और आई को वन कर लेता हूँ। आई मेरा इंडेक्स है जो मेरी अरे के ऊपर अरे पर चलेगा, और इनिशियली ये मैंने आई को वन पर सेट कर दिया है, और ये एन एलिमेंट्स की मेरी अरे है, एक्स इसका नाम है। फाउंड वाइल हमने फाउंड को चेक किया कि अगर फाउंड फॉल्स है और आई जो है वो अभी एन तक नहीं पहुंचा, तो हम इसमें आएंगे अपने वाइल लूप की बॉडी में और फिर देखेंगे कि आई था एलिमेंट क्या हमारी की वैल्यू के इक्वल है। अगर तो आई था एलिमेंट की वैल्यू के इक्वल हुआ तो हम कह देंगे हमें मिल गया, अदरवाइज हम आई को सिंपली यहाँ एक स्टेप इधर से आगे ले जाएंगे कि आई में एक इजाफा हो जाए, और फिर उसके बाद दोबारा से देखेंगे वाइल वाइल कंडीशन में कि अभी नहीं मिला, और उसके अलावा एलिमेंट जो है अभी तक तमाम ट्रेवर्स चेक नहीं हुए, तो हम वापस लूप की बॉडी में आ जाएंगे। अगर इस एल्गोरिदम का एनालिसिस करें, ये दो स्टेटमेंट्स एक एक दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी, इनकी कॉस्ट मैं लिख रहा हूँ, अब आइट्रेशन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर, ये आइट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करके जो मेरे पास आता है, कॉस्ट की वैल्यू क्योंकि वन थी सारी तो मल्टीप्लाई करके यही बनेगा जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ये एक दफ़ा पहली स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही, दूसरी स्टेटमेंट भी एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, इनकी कॉस्ट वन वन आ गई। अब ये थर्ड स्टेटमेंट जो वाइल्स की उन पे कंडीशन है, इसके बारे में अब दो बातें हैं। अगर मैं इस पहली कंडीशन के बारे में बात करूँ तो ये तो टोटली डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर कि प्रॉब्लम में एलिमेंट कहाँ पर मौजूद है। अगर एलिमेंट उसमें है ही नहीं तो ये कभी भी ट्रू नहीं होने लगा, तो ये लूप ब्रेक होगा इसकी कंडीशन के फॉल्स होने पर, यानी ये लूप एंड टाइम तो ज़रूर चलेगा फिर। लेकिन अगर कहीं पर मौजूद है एलिमेंट तो कहाँ पर मौजूद है उस पर डिपेंड करता है कि ये लूप कब ब्रेक हो जाएगा। हो सकता है पहले नंबर पे पोजीशन पे ही मौजूद है वो, तो ये एक दफ़ा ही कंडीशन चेक हो के ये लूप ब्रेक हो जाना चाहिए, और अगर कहीं दरमियान में मौजूद है तो उस पर डिपेंड करती है सारी बात। क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि कहाँ पर एलिमेंट है, ये कितनी दफ़ा चलेगा, मैं इसको एफ ऑफ एन एक नाम दे देता हूँ, फंक्शन एफ ऑफ एन है ये, कि इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इनपुट किस तरह की है मेरी, उसके इंस्टेंस में कैस प्रॉब्लम की इंस्टेंस कैसा है, लेकिन बहरहाल आई एम श्योर कि ये एक दफ़ा तो ज़रूर चल रहा है क्योंकि कंडीशन हम शुरू में फॉल्स रखी हुई है और एक नॉन एम्प्टी अरे है, तो एक दफ़ा तो ज़रूर चलेगा, इसलिए हम यहाँ पर वन लिख देते हैं। अब उसके बाद पहला लूप की बॉडी में आते हैं, इसका पहले इफ़ कंडीशन आ गई है, अब ये फिर डिपेंड कर रहा है, ये कंडीशन जितनी दफ़ा भी इसमें आएंगे कंडीशन ये चेक होगी, चाहे ट्रू है या फॉल्स है बाहर कंडीशन तो चेक होगी। इसका मतलब ये है कि इससे लूप की जो कंडीशन वाइल की जो हमने लिखा है एफ एन प्लस वन, उससे एक दफ़ा कम, यानी जब तक लूप ट्रू रहता है ये ज़रूर इसके अंदर आएगा। एफ एन टाइम यानी हम समझते हैं कि ये इसके अंदर आएगा एफ ऑफ एन टाइम। अब ये फिर बात कि ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ये सब हमें मालूम नहीं है, अगर तो एलिमेंट मिला ही ना तो ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, लेकिन हमेशा फॉल्स होता रहेगा, ये लाइन फिर चलेगी एफ ऑफ एन होपफुली एफ ऑफ एन टाइम, लेकिन वो इस केस में कि अगर हमें ना मिले। हम अभी इस एनालिसिस को पोस्टपोन करते हैं कि ये हमें कि हमें मिला है या नहीं मिला। हम ये समझते हैं कि एफ ऑफ एन टाइम ये चलेगा और फिर जी ऑफ एन टाइम ये चलेगा, कोई फंक्शन मैंने कह दिया है, और इसी तरह से एच ऑफ एन मैंने इसे कह दिया कि एच ऑफ एन टाइम ये लाइन चलेगी। अब अगर मैं टोटल रनिंग टाइम निकालूं तो 1 2 3
प्लस 2fn प्लस gn प्लस hn बन गया। अब इनका हम जरा डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं कि f of n, g of n और h of n क्या कह रहे हैं। सो अगर हम देखें तो हमारे इस के दो केसेस सामने आ रहे हैं। एक केस ये एक एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, और दूसरा केस एक्सट्रीम केसेस में देखने जा रहा हूँ असल में। तो ये मेरे पास एक बेस्ट केस बन जाता है जो कि मैं केस वन कह रहा हूँ, और दूसरा मेरे पास वर्स्ट केस बन जाता है कि जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता अरे के अंदर। सो लेट्स से वो kth इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है और k को हम फर्स्ट पोजीशन सपोज कर लेते हैं। सो एफ ऑफ एन के बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि अगर तो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है अरे में तो फिर मेरा लूप k टाइम चलेगा, और अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर मेरा लूप n टाइम चलेगा, और ऑब्वियसली बेस्ट केस में k की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इसी तरह से अगर मैं g ऑफ n की बात करूं, ये जी ऑफ एन हमें याद है कि इफ के ट्रू पार्ट था। सो अगर तो एलिमेंट मिल गया तो एक दफ़ा ही, यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें हमने तय किया था कि अगर ये मिल इक्वल हो गया तो यहीं से हम रिटर्न कर देंगे, फाउंड को ट्रू कर लेंगे, और इसके बाद इस एल्स पार्ट में नहीं आने वाला। ये जब यहाँ पर नहीं आने वाला तो लूप की बॉडी एंड हो जाएगी। सो इसका मतलब है ये चलेगा तो सिर्फ एक दफ़ा ही चलेगा, और या फिर अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये चलेगा ही नहीं। यानी इसमें ये बेस्ट, ये ब्लू कलर में बेस्ट केस आ गया और रेड कलर में वर्स्ट केस आ गया यहाँ पे। फिर इसी तरह से अगर तो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है किसी अरे के अंदर तो एच ऑफ एन डिपेंड करता है के माइनस वन टाइम, एच ऑफ एन फॉल्स पार्ट था सो ये के माइनस वन टाइम चलेगा। सो अगर तो के माइनस वन, यानी आप समझ रहे हैं कि अगर तो इसमें एलिमेंट पहली पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये एक दफ़ा भी नहीं चलेगा। सो के, अगर के वो इंडेक्स है, के की वैल्यू 1 होगी। सो एच ऑफ एन के लिए हमने कहा कि एच ऑफ एन बेस्ट केस में के माइनस वन है, के से मुराद इंडेक्स जिस पे एलिमेंट पड़ा हुआ है। सो इसका मतलब ये एक दफ़ा भी नहीं चलेगा, इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, यहीं से ट्रू की सूरत में यहीं से रिटर्न हो जाना है। सो इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। और इसी तरह से अगर एलिमेंट ना मिला तो एंड टाइम लूप की बॉडी में आएगा, एंड टाइम इफ स्टेटमेंट चेक होगी, और एंड टाइम ही फिर यहाँ पर ये स्टेटमेंट चलेगी। अब अगर मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँ, इन सारी चीज़ों को बेस्ट केस और वर्स्ट केस को लिख लेते हैं। तो बेस्ट केस की सूरत में जब पहली पोजीशन पर ही हमारा एलिमेंट पड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ k है वहाँ पर हम 1 डाल लेते हैं, f ऑफ n की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर g ऑफ n 1 आ जाएगा मेरे पास, h ऑफ n k माइनस 1 आ जाएगा मेरे पास। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर डालता हूँ, इधर 1 आ जाएगा, ये 2 ही रिटर्न हो जाएगा मुझे। g ऑफ n की वैल्यू प्लस 1 आ गई मेरे पास, h ऑफ n मेरे पास 0 आ गया, और ये मेरे पास 3 आ जाएगा। सो ये कांस्टेंट टाइम के अंदर, अगर पहली पोजीशन पर ये एलिमेंट पड़ा हुआ तो बेस्ट केस में कांस्टेंट टाइम में आंसर मिल जाया करेगा। यानी अरे जितनी मर्जी बड़ी हो, ये हमेशा कांस्टेंट टाइम के अंदर अंदर आपको आंसर करेगा। रनिंग टाइम विल नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट साइज। और अगर वर्स्ट केस का एनालिसिस करें, यानी जब एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर जो रेड कलर में लिखा हुआ था एफ ऑफ एन जो है वो इस वक्त आपका एन के इक्वल है, जी ऑफ एन यानी कभी भी इंक्रीमेंट ट्रू पार्ट कभी भी नहीं चलेगा, और हर दफ़ा आई में इंक्रीमेंट होगा, ये एंड टाइम चलेगा। सो इसके नतीजे में अगर मैं ये वैल्यूज ऊपर फंक्शन में डाल लूँ तो मेरे पास रनिंग टाइम 3 ऑफ एन आता है। सो इस तरह से हमने अपने एल्गोरिदम का बेस्ट केस वर्स्ट केस एनालिसिस किया। व्यूअर्स, इसके अलावा एवरेज केस एनालिसिस भी होता है, और एवरेज केस एनालिसिस डिपेंड करता है, फिर उसमें हमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व करनी पड़ती है, एक्सपेक्टेशन देखनी पड़ती है कि क्या एक्सपेक्टेशन है कि किस तरह की हमारे पास इनपुट आएगी, और उसके लिहाज से हम रनिंग टाइम निकाला करते हैं, उसे हम किसी लेटर वीडियो के लिए पोस्टपोन करते हैं।